बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आज अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं जद्दा एयरपोर्ट से। जैसा कि आज मैंने अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक अकाउंट पर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप दोस्तों को बताया था कि आज मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ। अभी लंदन से जद्दा एयरपोर्ट पर आया हूँ और अगली फ्लाइट के लिए मदीना जाने के लिए यहाँ पर अभी इंतज़ार में हूँ। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो गया था इसलिए आपको प्रोग्राम के साथ अपडेट देना बहुत ज़रूरी था और आज मैं आपको जद्दा एयरपोर्ट से ये अपडेट दे रहा हूँ कि जंगीर तरीन की और इमरान खान की और अदीम खान की ऐसे मुलाकातें हुई हैं, ऐसी बातचीत हुई है, टेलीफोनिक मुलाकातें भी हुई हैं, बनफ्स नफीस भी मुलाकातें हुई हैं कि तहरीक अदम इत्माद ठुस हो गई है और हमारी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ के कमर का दर्द दोबारा से शुरू हो गया है। शोबाज शरीफ और मियाँ बीमार शरीफ जो लंदन में मौजूद हैं इनका दोबारा से जो है बीमारियां शुरू हो गई हैं, प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब इनको ये नज़र आ रहा है कि अगला इंतखाब भी इमरान खान ही जीतने की पोजीशन में है और आवाम की तरफ से जो पजीराई मिल रही है, परसों आपने देखा कि मेलसी में जो जलसा हुआ वहाँ पर आवाम ने जिस तरह से इमरान खान को पजीराई दी वो भी आपने देखा और आइंदा आने वाले दिनों में भी इमरान खान जहाँ जहाँ जाएंगे आवाम उनका साथ देगी और वो जो तहरीक अदम इत्माद की बातें थी वो दबड़दूस होती नज़र आ रही हैं। और आपस में हमने आपको बताया था नाज़रीन कि मौलाना फजलुर रहमान के 48 घंटे गुजरने के बाद इनकी आपस में जो लड़ाइयाँ शुरू होंगी वो देखने वाला मंजर होगा। गिरेबान फटेंगे और एक दूसरे को थू 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 करेंगे और अब ये आख थू पर आ गए हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि तहरीक अदम इत्माद किस तरह गुब्बारे से हवा निकल रही है। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि आज इसहाक डार ने बिलआखिर लाहौर हाईकोर्ट से रजू कर दिया है अपनी रुकनीत की बहाली के सिलसिले में। लेकिन आप हैरान होंगे कि एक भगोड़ा और मफरूर जो जिसको इंग्लिश में एक्सपॉन्डर कहते हैं अदालती मफरूर वो किस तरह से लाहौर हाईकोर्ट से राबता कर सकता है और ऐसी अपील कर सकता है कि उसको हलफ उठाने की इजाज़त दी जाए, बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठकर उसको हलफ उठाने की इजाज़त दी जाए और अगर वो ऐसा हलफ उठा लेता है तो उसकी 3 साल की तनहाई भी उसको देना पड़ेगी जो कि कौमी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। एक घोड़ा जो है वो कौमी सुनाने पर एक मरतबा फिर ऐसा बोझ डालना चाहता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है और यहाँ लंदन में बैठकर ऐसी सियासत करते हैं, अफवाहों की सियासत करते हैं, कभी जंगीर तरीन से मुलाकात, कभी किसी से बातचीत, कभी किसी जनरल की तरफ से इशारा, कभी किसी जो कॉमेडियन को मिलते हैं तो उसको भी जनरल समझ लेते हैं, हनील बेले को मिले तो उसको भी एक जनरल समझ लिया, न जाने कैसी बातें करते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और एक मरतबा फिर कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के सर पर बैठ कर पाकिस्तान में एक मरतबा फिर लूट मार का बाजार गर्म करें। नाज़रीन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह मदीना जा रहा हूँ, इमरान खान के लिए भी दुआ होगी, आप तमाम नाज़रीन के लिए भी दुआ होगी, पाकिस्तान के इस्तेकाम, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ होगी और ये दुआएं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका असर आप देखेंगे क्योंकि मेरा और आपका ये यकीन है, ईमान है कि जो दुआ मदीना शरीफ में मांगी जाती है या फिर मक्का शरीफ में अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर गड़गड़ाकर पाकिस्तान की सलामती की दुआएं मांगी जाएंगी वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब और कामरान होगी। तहरीक अदम इत्माद ठुस और उसके बाद आने वाले इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी, आवाम की कामयाबी होगी। पाकिस्तान आने वाले दिनों में आपको जैसा कि पता है कि जहां इस वक्त मैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में बैठा हूं यहां के जो प्रिंस हैं वो 23 मार्च को पाकिस्तान में होने वाली परेड के मेहमान खसूसी हैं। ओआईसी का इजलास हो रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा रहा है, इमरान खान ने अमेरिका के सामने डट कर जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया वो भी इंशाल्लाह कामयाबी की तरह रवा दवा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क रहेगा। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को आज जद्दा से इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मदीना शरीफ से मुलाकात होगी। वही नारा जो हमेशा लगाया करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।